इस दो पतली पतली किताबों में 360 मार्क्स छुपे हुए हैं। दो किताबें पढ़नी है, पतली पतली पढ़नी है भाई, इनको तो रट के भी चले जाएंगे तो भी मार्क्स आ जाने चाहिए, फिर मार्क्स क्यों नहीं आते? पूरा का पूरा ओल्ड एनसीईआरटी में है, नीट के सिलेबस में है, बट न्यू एनसीईआरटी में नहीं। एक कैपेसिटेशन वर्ड होता है, स्पर्म्स का मैचुरेशन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये वर्ड भी एनसीईआरटी में नहीं है और इस पे दो बार पीवाईक्यू आया हुआ है। या एक डायग्राम में अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। पर मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी उस समंदर की तरह है जिसमें गोता लगाओगे तो मोती मिलेंगे, और जितनी बार गोते लगाओगे उतनी बार नए मोती मिलेंगे। आप सोचो कि केवल वो लाइन रट लूं मैं सारी की सारी, किसी की क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी है बस मैं रट लूं तो काम नहीं चलेगा। तो हमें एनसीईआरटी रीड नहीं करनी न्यूज़पेपर की तरह, रटनी नहीं है, हमें एनसीईआरटी को समझकर, याद करके और बार 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 रिवाइज भी करना। अब वो कैसे करना है, मैं यहाँ पर वो तरीका बताऊंगी जो मैंने पर्सनली यूज करा। इस डायग्राम के अंदर आरओपी का क्या मतलब है वो लिखा हुआ है, ये पूरी थ्योरी में एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ। हेलो एवरीवन, प्लीज बैठिए, थैंक यू सो मच, प्लीज बैठिए सब लोग। कैसे हैं आप लोग सब? तो मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल है, आप लोग सब मुझे प्यार से डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु माँ कहते हैं, बिल्कुल। और मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, एक गायनेक हूँ, इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, लास्ट मोर देन 10 ईयर्स से कंप्लीट बायोलॉजी की ऑनलाइन ऑफलाइन फैकल्टी हूँ। और अभी बच्चों ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लेक्चर्स देखते हैं उनको एक फ्रेज बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा जोश देता है, तो आज उसी फ्रेज से अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है हम बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल टू द पॉइंट रहेंगे। आज का सेशन जो है, भैया पेन होगा, आज का सेशन है कि एनसीईआरटी को रीड करने का बेस्ट तरीका क्या है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। एक प्लीज दोगे बेटा एनसीईआरटी आपकी? अब एक बात जो मुझे हमेशा क्लिक करती है, शायद आपको भी करे, पूरी दुनिया जानती है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी से आता है ना। कभी कभार किसी साल एक कोई क्वेश्चन बिरला थोड़ा सा एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट होता है, वो वर्ड एनसीईआरटी में होता है बट हल्का सा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। मोटा मोटा माने अपन तो एनसीईआरटी से आता है, सारे टॉपर सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बोलते हैं बायो में कुछ मत करो एनसीईआरटी पढ़ लो। ये है 11th की एनसीईआरटी, मोटी है कि पतली है? पतली है, इससे मोटी मोटी तो नॉवेल्स पढ़ लेते हैं अपन, और तकरीबन इतनी ही थिकनेस 12th क्लास की एनसीईआरटी की है। मतलब दो पतली पतली किताबें जो 50% मार्क्स का वेटेज कैरी करती हैं, 720 में से 360 मार्क्स का बायो है, इस दो पतली पतली किताबों में 360 मार्क्स छुपे हुए हैं। पूरी इंडिया एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, पूरा इंडिया एनसीईआरटी पढ़ता है, फिर भी रेयरली स्टूडेंट्स हैं जिनके 320 340 तो छोड़ो, 360 तो छोड़ो, 300 प्लस मार्क्स भी आते हैं। और मुझे ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी, बड़ा आश्चर्यचकित करती थी कि आपको भी कर रही है, कि आखिर क्या कारण है? दो किताबें पढ़नी है, पतली पतली पढ़नी है भाई, इनको तो रट के भी चले जाएंगे तो भी मार्क्स आ जाने चाहिए, फिर मार्क्स क्यों नहीं आते? कितने लोगों को लग रहा है कि मैम जो बोल रही है कुछ लॉजिक तो बन रहा है, अरे कुछ घोटाला घपला तो है, क्यों नहीं नंबर आ रहे? कितनों को लग रहा है, एक बार हाथ उठाओ। पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करती हूँ मैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? वैसे आप लोग 11th के हैं तो आई थिंक ये डाउट इतनों को नहीं होगा, बट जो ड्रॉपर्स हैं स्पेशली उन्हें ये डाउट बहुत आता है, या जो पिछले साल 12th में आए थे कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू। आई थिंक आपके साथ ये इशू नहीं होगा क्योंकि आप लोग ने तो अभी नई एनसीईआरटी खरीदी होगी शायद, सबने आप लोगों ने ओल्ड एनसीईआरटी लिए। ओके, तो मैं एक बार इस बात के लिए 2 मिनट का टाइम ले लेती हूँ, बिकॉज ये कुछ ड्रॉपर्स तक भी वीडियो पहुँचेगा तो वहाँ भी एक कॉमनली डाउट आता है। देखो लास्ट ईयर एनसीईआरटी चेंज हुई थी, यानी जो न्यू एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी है वो 2023 में आई थी, पिछले साल आई थी, और ओल्ड एनसीईआरटी को मैं इसके पहले वाली मान रही हूँ, बहुत पुरानी 10-15 साल पुरानी बाबा आदम वाली बात नहीं कर रहे, उसके रीएडिशन आते गए थे। अब ओल्ड एनसीईआरटी में से कुछ डिलीट हुआ, डिलीट, और उससे बनी है न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड में से डिलीट होके न्यू एनसीईआरटी बनी है,
तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे विद्यापीठ में सब टीचर्स ने गाइड भी कर दिया होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी ही डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि नीट की सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओल्ड में हैं एनसीईआरटी में, न्यू में नहीं है पर नीट के सिलेबस में हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल टिश्यूज, 11th क्लास की बात करती हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यूज पूरा का पूरा नीट के अंदर है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में है और नीट के सिलेबस में भी है, तो हमें पढ़ना है। या 12th के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आपका शायद फर्स्ट चैप्टर हो गया 11th क्लास का, द लिविंग वर्ल्ड, उसमें व्हाट इज ग्रोथ, यस व्हाट इज लिविंग, ये पूरा का पूरा ओल्ड एनसीईआरटी में है, नीट के सिलेबस में है बट न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अच्छा किया है आप लोगों ने ओल्ड लिया। अगर कोई खरीद रहा है तो डेफिनेटली ओल्ड खरीदे। पर्टिकुलरली ये बात मैं बायो के लिए कर रही हूँ, जैसे फिजिक्स के लिए नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि फिजिक्स में इस साल ऐसा हुआ है कि कोई एक क्वेश्चन आया था, उसके दो डिफरेंट आंसर्स ओल्ड और न्यू दोनों में दिए थे और एनटीए ने न्यू एनसीईआरटी वाला आंसर कंसिडर करा राइट। लेकिन लकीली बायो में ऐसा कोई भी डेटा चेंज नहीं है, बायो के अंदर केवल और केवल ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें हटाकर न्यू एनसीईआरटी बना दी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपके टीचर्स जो हैं वो बेस्ट गाइड हैं, आप उनसे बात कर लेना। बायो के लिए अगर खरीद रहे हो नहीं तो ओल्ड लेना, और अगर आपके पास न्यू है भी, जिन स्टूडेंट्स के पास न्यू है भी कोई बात नहीं है, आपकी क्लास में नोट्स देते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं या पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, तो ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं क्लास 12th के हैं हालांकि वो, और 11th के भी हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर कुछ न्यू फैमिलीज आई हैं जो न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है और ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से अपने टीचर्स के नोट से ज़रूर पढ़ना, उस टाइम क्लासेस ज़रूर अटेंड करना। अपना पेपर या रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये बातें जो मैं भूल बोल रही हूँ ये जितना तेज़ी से अंदर घुस रही है उससे डबल तेज़ी से अभी बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आपको सेशन में कोई भी बात अच्छी लगे, अगर सेशन में आपको कोई भी बात ऐसी लगे कि ये मुझे ग्रैस्प करना है, अपने जीवन में उतारना है, तो उसे लिख लीजिए। अभी क्या होगा, अभी आप लोग खूब हंसोगे, आप थोड़ा मेस्मराइज भी हो, अरे मैम आई हैं, मज़े आ गए यार पढ़ाई के अलावा। अच्छा कुछ बच्चे तो इसलिए भी खुश होंगे कि कुछ नहीं टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी एक आनंद है अपना ही। तो जब बेटा आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू होगा, क्या हो गया है वो चैप्टर, नहीं हुआ होगा अभी, उस समय पर अपने लेक्चर ज़रूर अटेंड करना, क्लासेस बंक मत करना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी फैमिलीज न्यू इंक्लूड हुई है नीट के सिलेबस में, जैसे गेहूं वाली फैमिली ग्रामीण इंक्लूड हुई है ना, और भी फैमिलीज इंक्लूड हुई है, सनफ्लावर वाली कॉन्वलवेलेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली इंक्लूड हुई है, सॉरी, ये सब ना न्यू एनसीईआरटी में ना ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो ये टीचर्स अपने लेवल से पढ़ा रहे हैं और इन पर नीट में आ सकता है क्वेश्चन सिलेबस में है, तो ये आप लोग बहुत इस समय बिल्कुल अलर्ट हो जाना। चलिए तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जो आई थिंक ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हो सकता है इतना डाउट ना आता हो, बट ऑनलाइन में काफ़ी कॉमनली पूछते हैं कि हम हार्ड कॉपी खरीदें, मतलब किताब खरीदें, या केवल पीडीएफ से पढ़ लें। क्या यहाँ पर कोई है जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी? ऑनेस्टली हाथ उठाओ, मैं ना नाम पूछूंगी ना डांट लगाऊंगी, कोई है ऐसा? नहीं है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो बेटर तो ऑफकोर्स हार्ड कॉपी है, स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी। अगर कोई पीडीएफ यूज़ कर रहा भी हो, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो पीडीएफ यूज़ करते भी हैं, तो फिर आपके पास वो टैब या मोबाइल वैसा होना चाहिए जिसमें आप एडिट कर सको और लाइन वाइन खींच सको, कुछ मार्किंग कर सको, अदरवाइज न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को अपने को अंडरस्टैंड करना है, मार्किंग्स करनी है, तो हार्ड कॉपी इज़ द बेस्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं कि आखिर पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। देखिए एक बात समझो, अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें 11th और 12th दोनों की, जैसे मैं आपके 11th की अगर बात करूं, तो कुछ चैप्टर्स जैसे यूनिट 1 के चारों चैप्टर्स है ना, आई थिंक आपका यूनिट 1 ही चल रहा होगा, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, या यूनिट 2 मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फ्रॉग है, कॉकरोच है, जैसे कॉकरोच भी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में है, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चारों 11th क्लास के चैप्टर्स हैं और ये कुछ 12th क्लास के चैप्टर्स हैं, ये रट्टाफिकेशन चैप्टर्स हैं। ऑफकोर्स अंडरस्टैंड करना है, पर इनमें लर्निंग का पार्ट ज़्यादा है,
याद करने का पार्ट ज्यादा है समझ के याद करना, जबकि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये आपके 11th क्लास के चैप्टर्स हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग सिस्टम हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। इन पर पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जो सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन नहीं थे। इवन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, जेनेटिक्स तो है ही, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप 12th क्लास में जाएंगे, जो भी बात आपको लग रही है उसे नोट करते जाना, मैं दोबारा कह रही हूँ आपसे, ये सब उड़ जाएगा आपके दिमाग से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक से जिनका नाम या तो एनसीईआरटी में है, केवल नाम, कोई डिटेल नहीं है पर डिटेल पूछी गई है, या वो नाम भी नहीं है और उस पर एक नहीं दो दो बार क्वेश्चन आया है। जैसे अभी तो आप 11th के बच्चे हो तो आपको नहीं पता होगा, एक कैपेसिटेशन वर्ड होता है, स्पर्म्स का मैचुरेशन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये वर्ड भी एनसीईआरटी में नहीं है और इस पे दो बार पीवाईक्यू आया हुआ है। या एक डायग्राम में अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ये डायग्राम, ये 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डायग्राम है। यहां पर देखो आप, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, केवल ये वर्ड इसी डायग्राम में है, थ्योरी में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे हैं तो आप इसकी डिटेल कभी नहीं जान सकते और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू आया हुआ है। यानी बहुत बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी, अब उसे आप आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हो या एनसीईआरटी के अंदर था पर हमने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको, जैसे आप लोग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, वहां पर एक डायग्राम आएगा जिसके डायग्राम में केमियोस्मोटिक थ्योरी का डायग्राम आएगा, फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस इसके डायग्राम में एक वर्ड लिखा हुआ है FNR। इस वर्ड का ना तो फुल फॉर्म लिखा है पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी, ना इस वर्ड के बारे में कुछ लिखा है ये क्या है, पर डायग्राम में ये शब्द है। और जब डायग्राम में ये शब्द है तो ये क्वेश्चन आएगा। अब आप 11th के बच्चे तो आपको पता नहीं है, अगर आप ड्रॉपर्स होते और मैं आपसे पूछती तो मुझे बड़ा आनंद आता, क्योंकि मैं पूछती और आपको आता नहीं और फिर मैं हंसती और मैं बताती, देखो मैंने मेरा पॉइंट प्रूव किया। पर अभी तो आप भोले भाले 11th वाले बैठे हो तो आप बच गए, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ ना, हो गया होगा तो भी बोलोगे नहीं हुआ ना, कि सच में नहीं हुआ है। चलो, तो ये एक एंजाइम का नाम है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। इसीलिए बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को समझना, ये छोटी छोटी गलतियां ताकि ना हो। तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी हम आगे उस पर और भी बात करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कि ये कुछ चैप्टर्स तो पूरे कंसेप्चुअल हैं, इनमें रटने का बहुत कम है। अगर आपने एक्चुअली समझ लिया है तो समझते समझते दो तीन बार में आप आराम से याद कर लोगे। कुछ है जहाँ पे बहुत लर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे डेटा यानी साइंटिस्ट के नाम आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे डेट्स आएंगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी। हालांकि जेनेटिक्स में भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं एक चैप्टर के अंदर, बट हाँ फिर भी मेजरली बात करें। और कुछ चैप्टर्स जो होते हैं, जैसे ये तीन चैप्टर्स, इसमें से दो ही आपके क्लास 11th के हैं, आई थिंक हो गई होगी सेल, तो ये मिक्स्ड है, इनमें कंसेप्ट भी समझना है और याद भी करना है। जैसे सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो गया, हो गया, उसमें जो G0 फेज है, G0 फेज, उस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में, दो तीन बार कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आए हैं। आज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, आपको बहुत ईजी लगेगा, पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का दिमाग घूम गया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, उसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि G0 कम्स एट एंड ऑफ, G0 सेल एग्जिट सेल साइकिल एट एंड ऑफ, ऐसा करके क्वेश्चन था। एक एम फेज भी आंसर था और एक G1 फेज भी ऑप्शन था, ठीक है। ये G1 है सपोज, ये S है, ये G2 है, ये M है, ठीक है। अब हमारी NCERT में यहां से एग्जिट दिलवाया गया है, ये G0 माना गया है। वैसे तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट एंड ऑफ लिख दिया। अब एंड ऑफ का अगर G1 आंसर लगाओगे तो यहां से एग्जिट होना चाहिए था, M आंसर लगाओगे तो यहां से एग्जिट होना चाहिए था। तो अब इसका आंसर क्या लगाएं, अभी तो इजी लग सकता है, पर एग्जामिनेशन हॉल में बताओ, सोचो उस जगह पे, ले जाओ दिमाग को कि आपका दिमाग घूमेगा या नहीं। क्योंकि हम टीचर्स ही तो बोलते हैं कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ा करो, हर शब्द पर आंसर बदलता है, क्या आंसर लगाएं। करवा दिया होगा क्लास में ये,
PYQ अभी आई थिंक 2 साल पहले, 2-3 साल पहले का ही क्वेश्चन है। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर जीवन दिया था NTA ने, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है कि सेल एग्जिट G1। M के बाद तो कभी नहीं होता, थोड़ा सा जीवन शुरू होता है, थोड़ी सी ग्रोथ करना शुरू करता है, तभी डिसीजन होता है कि आगे बढ़ना है या एग्जिट करना है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और उसके लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, आप सोचो कि केवल वो लाइन रट लूँ मैं सारी की सारी, किसी की क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी है बस मैं रट लूँ, तो काम नहीं चलेगा। तो हमें NCERT रीड नहीं करनी न्यूज़पेपर की तरह, रटनी नहीं है, हमें NCERT को समझकर, याद करके और बार बार रिवाइज भी करना है। अब वो कैसे करना है, मैं यहाँ पर वो तरीका बताऊँगी जो मैंने पर्सनली यूज़ करा। मैं CBSE बोर्ड से मैंने 12th किया था, मेरा 12th के साथ मेरा AIPNT जिसे हम नीट बोलते हैं उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पर एक्चुअली जिस तरह से पढ़ा था, और उसके बाद पिछले इतने सालों में जो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करा और उनसे भी जो मैंने सीखा, तरह तरह के बच्चों से जो पॉइंट्स वो मुझे बताते थे, और उनमें से कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट ने बताई है, इसे भी अप्लाई कर सकते हैं NCERT में, वो सबका मिलाकर मैं आपको निचोड़ बताने वाली हूँ। ये सेशन तभी फायदेमंद होगा अगर आपने इसे फॉलो किया। अगर आप सिर्फ सुनोगे, हंसोगे, खुश होगे, चले जाओगे, तो ये 1 घंटा आपके जीवन की बर्बादी होगी। लेकिन अगर आपने इसे फॉलो किया, बिलीव मी, शुरू के 1 हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा मुश्किल लग सकती है करने में आपको चीज़ें, पर एक बार सर्कुलेशन में आ जाएगा। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ 340+ मार्क्स, 360 out of 360 में कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो एक दिन में कोई गलती भी हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है, कोई एक टफ क्वेश्चन आ सकता है, पर 340+ तो गारंटेड आएंगे चाहे कैसे ही पेपर आ जाए आपका। तो इस टेक्निक को कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे को आपकी NCERT दे दीजिए। सपोज करो हम NCERT पढ़ने बैठे, अब आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स या जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं और खुद से NCERT से ही बायो पढ़ते हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स को क्या करना है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमें इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी उतना पार्ट पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे कोई स्टूडेंट खुद पढ़ाई कर रहा हो इंडिपेंडेंटली और उसने ये चैप्टर उठाने की सोची। अब सबसे पहले आपके पास NCERT के अलावा उस समय पर एक रफ रजिस्टर और पेन या पेंसिल होनी चाहिए। एकदम से मार्कर्स लेके मत बैठ जाना, सुंदर सुंदर कलरफुल मार्कर, है ना, अभी से सजाना नहीं करना है अपने को। अब दूसरी बात दिमाग में ये रखो कि NCERT को रीड नहीं करना है, NCERT को स्टडी करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, समझना है। अब हम कैसे करेंगे, सपोज आज मेरी फर्स्ट रीडिंग है, आज मुझे मेरे सर ने उतना पढ़ाया है या मैंने खुद से उतना तय किया है कि मैं 1 घंटे में इतना पढ़ूंगा। अब मैं क्या करूँगी, अपनी NCERT खोलूँगी, सपोज मैं उसी चैप्टर पर गई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, तो मैंने अपने हाथ में पेन या पेंसिल ली, मैंने वो पेज निकाला और मैंने रीडिंग करी। अब रीडिंग कैसे करनी है, मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पेन या पेंसिल से मार्क करना शुरू करा, ठीक है। सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मार्क करा। अब मार्क करने के बाद में 2 तरीके हैं, या तो ये कि आप अपने आप मन में सोच के थोड़ा बड़बड़ाते हुए इस लाइन को अपनी मातृभाषा में अंडरस्टैंड करें, मदर टंग में। मातृभाषा वो भाषा जिसमें आपका दिमाग सोचता है, जैसे मेरा दिमाग हिंदी में सोचता है, मुझे अगर इंग्लिश में भी बात करनी है तो मैं हिंदी में सोचती हूँ, सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, फिर मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलती हूँ। ये अलग बात है कि इतनी स्पीड तेज होती है कि आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छी इंग्लिश है, पर सोच तो मैं हिंदी में ही रही हूँ। तो आप जिस भी भाषा में सोचते हो, तो मैंने इसको अपनी भाषा में सोचा। जब हम आसपास देखते हैं तो हमें निर्जीव और सजीव, मतलब लिविंग नॉन लिविंग, हमको दोनों चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। आगे बढ़ गए, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। फिर से अपने दिमाग में अपन ने चलाया कि यार अपन सोचते हैं कि आखिर क्या चीज़ है जो लिविंग बनाती है। तो ऐसे करके आप लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हो, और एक लाइन या 2 लाइन रीड करी, रखा,
अपने लैंग्वेज में सोचा और उसको समझा, थोड़ा बड़बड़ाया, ये बहुत हेल्प करता है बड़बड़ाना। जितना पागल प्रूफ होगे दुनिया की नज़रों में उतने सक्सेसफुल बनोगे। या आप दूसरा तरीका भी और कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी को अंडरलाइन करा, अंडरलाइन करने के बाद में उसे अंडरस्टैंड करा, और अंडरस्टैंडिंग के दो तरीके हो सकते हैं। या तो अपन ने सोचा मदर टंग में, मातृभाषा में अपनी, या एक तरीका और हो सकता है कि ये जो रजिस्टर और पेन आप लेकर बैठे हो, सपोज ये मेरा एक पेज है, रफ पेज है, तो मैं इसको जैसे चिड़िया विड़िया बनाते हैं ना, यू 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 पेन चल रहा है, भले ही कुछ लिख नहीं रहे हो, अच्छा यार अपन सो अपन देखते हैं आसपास में को कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग है, ऐसे ऐसे यू 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 बनाओ। पेजेस थोड़े से वेस्ट होने दो, इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे साल जोमैटो स्विगी भी ऑर्डर करते हो, सारे मस्ती भी करते हो, होने दो 2-3-4 रजिस्टर पूरे साल में, ऐसे चिड़िया विड़िया उड़ाते हुए, ये बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर सोच रहे हो और साथ साथ में यू 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 लिख रहे हो, तभी तो बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ आपको लगती है यूजफुल है उसे लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे विचार ठोस हो जाते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च होती है। तो मैंने इसको मार्क करती गई, एक लाइन के बाद सोचती गई और समझती गई। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे इन एनिमेट, मुझे सपोज ये शब्द समझ नहीं आया, इन एनिमेट अगर मैं ऑलरेडी टीचर से पढ़ी हूँ तो मुझे पता होगा, अगर नहीं पता है कोई डायरेक्ट खुद से पढ़ रहा है तो वो मैंने उस टाइम पर गूगल कर हैंड टू हैंड देख लिया, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। यानी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, नंबर वन। नंबर टू, हम एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। और नंबर थ्री, हम एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपने सपोज ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, ऐसे ही आप ये भी करते गए करते गए करते गए, आप पढ़ते गए समझते गए, पढ़ते गए समझते गए, पढ़ते गए समझते गए, आपने सपोज यहाँ तक आज पढ़ना था पढ़ लिया। अब इसके बाद में आप याद करेंगे, लर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उस दिन, बेटा उस दिन याद नहीं करते, अगर कोई डेटा आता है कोई डेट आती है वो सोचते हैं मैंने बाद में याद कर लेंगे। कोई है स्टूडेंट जिसके दिमाग में कभी ऐसा आया हो कि अरे साइंटिस्ट है डेटा से बाद में कर लेंगे अपन एक साथ अच्छे से, बहुत ईमानदार बच्चा है उसने हाथ उठाया और उसकी हिम्मत देखकर अब दूसरों ने हाथ उठाया। अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को ये विचार कभी ना कभी आया है, अब देखो कितने सारों ने हाथ उठाए, ऐसा होता है। पर ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। याद करोगे तो कंप्लीट याद करोगे, भले ही आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, पर एक बार कोशिश करनी है याद करने की। अब यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे अपन, अपन एनसीईआरटी के साथ साथ एक अपनी डायरी और बनाएंगे, एक डायरी अलग से। अब आप उसे डायरी भी बना सकते हो या रजिस्टर बना सकते हो, और उस दिन जो भी साइंटिस्ट के नेम आए हैं या जो भी डेट आई है, उस डायरी को दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, एंड जो भी एग्जाम्पल्स आए हैं वो आप उस डायरी में उसी दिन लिखेंगे, उसी दिन लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, उसी दिन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, लड़के तो नॉर्मली ये सब बनाते ही नहीं, उन पे टाइम नहीं होता बनाने का, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, तो लड़कों को तो समय नहीं मिलता ये सब करने का। और लड़कियां, हाँ देखा, यस मैम बिल्कुल फुल्ली एक्टिव। और लड़कियां जो है वो सोचती है कि जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तब मैं एक दिन बैठ के पूरे सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के साथ 1, 2, 3, 4 करके बनाऊंगी। ईमानदारी से बताओ कितनों को लगता है, ये तो करती हैं, इनकी तो शक्लों पर लिखा हुआ है। बेटा कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, तो बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। डेली लिखिए, डेली चैप्टर का नाम, आप दो, अगर आपके जूलॉजी बॉटनी दो चल रहे हैं, आप दो डायरी बना लो, दो रजिस्टर बना लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन जो साइंटिस्ट आए, जो डेट आई, जो एग्जाम्पल आया, आधा आधा बांट लेना कॉपी को, या तो पतली पतली बना लो, एग्जाम्पल की अलग बना लो, साइंटिस्ट डेट की अलग बना लो, वो भी चलेगा। पर उसी दिन याद करना है और उसी दिन उसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो इकट्ठा लिखने के चक्कर में कई बार तो ऐसा होता है कि किसी किसी चैप्टर में लिख भी नहीं पाते, और आगे जाकर ऐसा होता है कि ज़्यादातर चैप्टर में नहीं लिख पाते क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाता है, फिर वो एक घंटा बैठना भी बड़ा टाइम वेस्टेज लगता है, इसमें तो 5 मिनट लगेंगे। रोज़ तो वैसे भी साइंटिस्ट डेट के नाम आने नहीं वाले, किसी दिन आएंगे भी तो 2-3-4 आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब याद कैसे करोगे? पूरा याद करोगे और जोर जोर से याद करोगे। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताती हूँ, कितने बच्चे हैं जो मन में याद करते हैं? मन में। अच्छा, जितनों ने हाथ उठाया उनमें से कितने बच्चे हैं जिन्हें याद किया हुआ ज्यादा याद नहीं रह पाता है? ये ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है कि कोई चीज को लंबे समय तक अगर आपको दिमाग में टिकाना है तो उसे कम से कम इतना तेज बोलिए कि वो आपके कानों को सुनाई दे और ज्यादा से ज्यादा भले ही पड़ोसी को सुनाई दे। जी हाँ, ये रिसर्च है। अगर आप जोर जोर से बोलेंगे, स्कूल में देखना, जब अपन छोटे होते हैं नर्सरी LKG में, तो पोयम अपने को जोर जोर से बोल के याद कराते हैं। मम्मी पापा घर में कोई भी रिश्तेदार आता है, दोस्त आते हैं, उनके तो बोलते चलो बेटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ हुआ ये, मैंने देखा है, बच्चे को बोला बेटे ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ, बच्चा चुप। ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ, बच्चा चुप। बच्चा मन में सोच रहा है जो आता है ये मेरा ट्विंकल ट्विंकल तो याद हो गई, मेरे को रट गई है। तो उसको प्रवोक करने के लिए, ईगो हर्ट करने के लिए पापा ने बोला हाँ आप क्या करें, इसको तो याद नहीं है ना ट्विंकल ट्विंकल। तो बच्चा बोलता क्या करूं पापा, याद नहीं है ना ट्विंकल ट्विंकल। तो ऐसा भी होता है, तो पापा का ईगो हर्ट हो गया उल्टा। तो ऐसा होता है, लेकिन इसीलिए जोर जोर से बुलवाया जाता था। बचपन में रेसिटेशन कॉम्पिटिशन होता था, वो सब इसीलिए होता था, तो जोर जोर से बोलिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स, मैंने ये पहले भी जब बताया था तो ऑनलाइन में बच्चों ने बोला कि मैम हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हम क्या करें, हम कैसे जोर जोर से बोलकर पढ़ें, अपने रूम में तो कर सकते हैं या डबल सीटर रूम है तो हम कैसे करें। तो उस केस में कम से कम मुंह तो हिलाकर याद करो, है ना। जैसे सेल थ्योरी, आप बोल नहीं सकते हो तो, या रजिस्टर हाथ में रखो रफ, और रफ सा लिखते हुए याद करो। मन में तो मत याद करो, मन में याद करोगे आप तो आप मान के चलो कि 10 मिनट की प्रोडक्टिविटी, 10 मिनट का समय याद कर रहे हो, 2-3 मिनट का याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे। ये चीजें अप्लाई करना, अप्लाई करके मुझे बताना कितना बेनिफिट हुआ। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रही हूँ आपको जो आपको लेने चाहिए, शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हमने पहली रीडिंग में अच्छे से अंडरलाइन किया, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन हमने अंडरस्टैंड किया, या तो सोच सोच कर मदर टंग में या रजिस्टर में चिड़िया विड़िया बनाकर, और उसके बाद जोर जोर से याद किया, पूरा याद किया, साइंटिस्ट डेट एग्जाम्पल सब कुछ याद करने की कोशिश की और जोर जोर से याद करने की कोशिश की। ये हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया। अब आ गया नेक्स्ट डे। सपोज करो ये मंडे है, फॉर एग्जाम्पल सपोज, अब हम आ गए ट्यूजडे पे। अब ट्यूजडे को आप क्या करोगे? अगले दिन का अगला टॉपिक तो इसी तरीके से करोगे, पर उसके पहले आप ये उठाओगे अपनी, फिर से ये वाला पैराग्राफ फिर से उठाओगे। अब आप इस समय पर क्या करोगे? अब आप मार्कर हाथ में लोगे। सेकेंड रीडिंग में आपके पास मार्कर होना चाहिए। मार्कर के लिए कोई रूल नहीं है, कुछ लोग बहुत सारे मार्कर्स यूज करते हैं, 4-5-6 कलर के यूज करते हैं, कुछ लोग एक ही मार्कर यूज करते हैं, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नंबर ज्यादा मिलते हैं या बोनस मार्क्स मिलते हैं या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल है, कई बच्चे एक ही कलर के मार्कर से पूरी जिंदगी, पूरे 2 साल निकाल देते हैं, NCERT के साथ सिलेक्ट भी हो जाते हैं, और कई बहुत सुंदर सुंदर मार्कर करते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होता। तो कोई क्राइटेरिया नहीं, जो आपको कंफर्टेबल है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शुरू में बनाते हैं कि रेड मतलब जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ग्रीन मतलब जो मुझे याद है मुझे दोबारा देखना ही नहीं है, येलो मतलब थोड़ा याद है थोड़ा नहीं है, वही जैसे अपनी ट्रैफिक लाइट होती है, और बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड क्या था, ग्रीन क्या था और येलो क्या था। ठीक है, तो ऐसा मत करना, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग में आपने फिर से पढ़ा, और सब कुछ मार्क मत करो, आप वो चीज मार्क करो जो आपको लग रहा है कि अब यूजफुल है। जैसे अब वो पहली लाइन तो यूजफुल है ही नहीं कि हम सोचते हैं कि कौन जीवित है, अब ये सब तो बकवास है तो यूजफुल है नहीं, पर पढ़नी है पहली बार, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कई बार NCERT के इंट्रो से उठाकर लाइंस दे देते हैं और उस समय पर हमें समझ ही नहीं आता ये सही लाइन है या नहीं है। तो एक बार पढ़ना पूरा है, अब जो जो इम्पोर्टेंट डेटा है सिर्फ उसको मार्क करिए। जैसे आपने कल पढ़ा था कि श्लीडन जो है वो जर्मन बोटानिस्ट है, और बोटानिस्ट है तो उन्होंने पेड़ों पर काम किया है, तो उन्होंने बताया कि पेड़ अलग अलग तरह के सेल्स के बने हैं जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो अब आपको ये पूरा मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप श्लीडन जी को मार्क कर दो, जर्मन मार्क कर दो, बोटानिस्ट मार्क कर दो और प्लांट मार्क कर दो, उतना सफिशिएंट है। तो पूरा भी मत करो, उससे क्या होगा आगे घबराहट होगी NCERT उठाने में। फिर बच्चे, कई बच्चे तो
5-7 महीने बाद पूछने लग जाते हैं कि मैडम एक और एनसीईआरटी खरीद लें क्या, दोबारा से नई एनसीईआरटी, क्योंकि इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है उसमें। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप मार्क कर दीजिए। अब मार्क करते करते एक चीज़ और होगी, आपने मार्क करा, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे पिछली बार के, क्योंकि आपने ज़ोर ज़ोर से याद किया था, पर अभी भी 20-30-40% ऐसा होगा जो आप भूल रहे होंगे। जो भूल रहे हैं, जो फॉरगेट कर रहे हो, उसे फिर से याद करो, जोर जोर से उसी दिन फिर से याद करो। बस उस दिन फिर से याद कर लिया। ये करने में अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में सपोज करो 40 मिनट्स लगे थे, बिलीव मी ये करने में आपको 10-12-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, पर ये करना है। अब ये बात खत्म हो गई, इसके बाद आप नेक्स्ट अपनी जो भी पैराग्राफ है उसको बिल्कुल ऐसे फर्स्ट रीडिंग की तरह आपने सब कर लिया, साइंटिस्ट डेटा सब कुछ रिवाइज हो गया। अब अगला दिन आया, सपोज वेडनेसडे आया, अब वेडनेसडे को आप थर्ड चीज तो पूरी पढ़ोगे, और जो सेकेंड डे पर नया पढ़ा था उसकी सेकेंड रीडिंग करोगे और इसकी थर्ड रीडिंग करोगे। आपको 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा जो अब मैं बता रही हूं उसे करने में। अब आप क्या करोगे, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, केवल मार्कर वाली चीजें पढ़ोगे। नंबर वन, मार्कर में भी अब क्या होगा, कुछ चीजें सपोज करो आपको 10 पॉइंट्स थे, 10 में से 5 याद थे, 5 भूल रहे थे, 5 भी आपने याद करे, आज जब आपने दोबारा से पढ़ा तो उस 5 में से भी 3 तो याद है, 2 अभी भी आप भूल रहे हो, या तो कंफ्यूज हो रहे हो बार बार या भूल रहे हो। अब जो आप फॉरगेट कर रहे हो उसे फिर से याद करके स्टार मार्क लगा दो, ये कर दो, बस एक स्टार मार्क लगा दो। अब ये अपन संडे को देखेंगे, यानी एक क्लास की एनसीईआरटी 3 दिन लगातार पढ़नी है। फर्स्ट रीडिंग थरली 30-40 मिनट्स लगेंगे, अगर आपकी 1.5 घंटे की क्लास है तो, अगर आपने क्लास अटेंड करी है समझा हुआ है तो आप 30-40 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हो, 30-40 भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। सेकेंड में 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, आप 1 हफ्ता करना, धीरे धीरे आपको वही टाइम लगेगा जो मैं कह रही हूँ। और थर्ड रीडिंग में तो 5-7 मिनट के अंदर आपकी रीडिंग हो जाएगी। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि आप बार बार पढ़ रहे हैं, ये साइंटिफिक है कि हमारे माइंड को पहला रिवीजन जितनी जल्दी मिलता है, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पहला रिवीजन मिल जाए तो 70% मेमोरी की रिटेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम रोज़ की क्लास रोज़ पढ़ते रहते हैं, संडे हमारा टेस्ट में ऐसा लगता है हम पत्थर तोड़कर आए हैं, तो संडे तो फ्री डे रहता है, तो पहला रिवीजन ही बहुत लेट होता है, और इसीलिए हम या तो भूल जाते हैं, या अगर हम कई बार नहीं भी भूल रहे हैं तो हमें पूरा दिन लगता रहता है कि हम भूल गए हैं। कितने लोगों को लगता रहता है कि यार मुझे लग रहा है मैं सब पुराना भूल रहा हूँ, ये देखो, ये आपको इसीलिए लगता है, आपके दिमाग को ट्रस्ट ही नहीं है, आपके दिमाग को ट्रस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने एक चीज़ बार बार देखी नहीं है। अब कोई पिक्चर तो है ही नहीं जो एक बार में रट गई है, अगर थोड़ी भी लेस इंटरेस्टिंग मूवी है तो आपको 2-3 बार देखनी पड़ेगी, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इसकी स्टोरी मुझे याद है। तो ये एनसीईआरटी जो है ये थोड़ी सी ड्राई बुक लगती है, ड्राई लगती है क्योंकि इसमें कोई ऐसे पॉइंटर्स नहीं है, अलग अलग कलर्स नहीं है, तो थोड़ी रूखी रूखी सी लगती है, पर मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी उस समंदर की तरह है जिसमें गोता लगाओगे तो मोती मिलेंगे, और जितनी बार गोते लगाओगे उतनी बार नए मोती मिलेंगे। किसी बच्चे के साथ हुआ है, किसी स्टूडेंट के साथ हुआ है कि एक ही चीज़ दोबारा पढ़ी और नई बात समझ आ गई, नई चीज़ दिख गई, नई लाइन दिख गई। तो आप 3 दिन तक पढ़ रहे हो, इस 3 दिन के अंदर बाद आपकी नज़रों से आपके दिमाग से कुछ छुपा नहीं रहने वाला है, इसे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि इस क्लास में से हार्डली 4-5 बच्चे करेंगे, एक अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, अगर इस बैच से 4-5 से ज़्यादा करेंगे तो वो मेरा बोनस है। बोनस मेरा इसीलिए है क्योंकि जब आप इसे फॉलो करेंगे आपको बेनिफिट होगा, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक दुआ निकलती है। आप भले ही, जैसे अभी इसने अगर मुझे बोला आपके लेक्चर से पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये उसने वर्बल दुआ दे दी मुझे, और जो वर्बल नहीं भी दे रहा, जब मार्क्स बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो दुआएँ जो है वो टीचर्स को लग रही हैं, और जीवन दुआओं से ही चलता है, ब्लेसिंग से ही चलता है। आई स्ट्रांगली बिलीव, है ना, बिल्कुल। मुझे
मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि अगर नियत सही तो कोई कमी नहीं, कोई देरी नहीं, नियत की सारी बात होती है। तो जब हम अपनी पूरी नियत से आपको पढ़ा रहे हैं और उस नियत से आपको बेनिफिट होता है, तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिविटी मेरे को मिल रही है जिससे मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है। तो चार पांच स्टूडेंट तो मैं सोच कर आती हूँ कि मैं आज जा रही हूँ, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि करीब 50-60-100 बच्चे होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा टारगेट होता है कि मैं उन 4-5 बच्चों का बेनिफिट करने के लिए जा रही हूँ जो मुझे पता है मुझे सच में गुरु माँ मानते हैं, और जो सच में जब मुझे देखेंगे तो वो ये मानेंगे कि नहीं, अगर मैम कह रही है मैं इसे फॉलो करूँगा तो मेरा बेनिफिट होगा। 5-7 ऐसे होंगे जो फॉलो करना चाहेंगे लेकिन 2-4-5 दिन के बाद उनका टेम्पो डाउन हो जाएगा, चाहते हुए भी वो नहीं करेंगे, और बाकी सब सिर्फ टाइम पास चल रहा है। वो मुझे पता है, वो सबको पता है। 25 लाख बच्चे बोलते हैं, 25 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, 25 लाख के 25 लाख थोड़ी ना कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेचारे, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ नहीं रहे हैं, पर नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, 4-5 से ज़्यादा जो भी होगा वो मेरा बोनस है, ईश्वर की तरफ से ढेर सारा बोनस है। पर इसे करना, इसे कम से कम 7-10 दिन फॉलो करना, फिर सिस्टम में आ जाएगा। अब हम संडे पर आएंगे। अब संडे चाहे आपका टेस्ट हो या नहीं हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि आप लोग 11th के स्टूडेंट्स हो। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे बाहर आके पता चला कि मुझे 11th का बैच मिल रहा है जिसमें मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है ऑफलाइन फेस टू फेस, क्योंकि मैंने खुद ने मेरी तैयारी 11th क्लास से स्टार्ट कर दी थी। और मैं ये लिख कर दे रही हूँ कि अगर आप 11th से सीरियस हैं, जो कि आप हैं, तभी आप यहाँ आ गए हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो 11th में 11th कंप्लीट करो, 12th में 12th कंप्लीट करके 11th रिवाइज करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका एज अ फ्रेशर सिलेक्शन रोकते। आप बहुत लकी हैं जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं बेटा, आप बहुत लकी हैं। एंड बिलीव मी, हर ड्रॉप के साथ में प्रेशर बढ़ता जाता है, घर वालों के ताने बढ़ते जाते हैं, रिश्तेदारों के ताने बढ़ते जाते हैं, घर वालों को रिश्तेदार ताने देने लग जाते हैं, हमने तो पहले ही कहा था इसका कुछ नहीं होगा, क्यों पैसा बिगाड़ रहे हो, क्यों कोटा भेजा हुआ है, या जो भी एक्स वाई जेड, और वो प्रेशर अल्टीमेटली स्टूडेंट पर आता है। तो बेस्ट होता है कि 11th में जाग जाए कोई बच्चा, 11th और 12th 2 साल, मेरे बॉटनी के प्रोफेसर कहते थे, मैं आज तक नहीं भूली, 2 साल का मज़ा और जिंदगी भर की सज़ा यानी स्ट्रगल, या 2 साल की सज़ा अपने आप को हर चीज़ से, डिस्ट्रैक्शन से, सब जगह से बचाकर और सिर्फ पढ़ने में लगा देना, और जिंदगी भर का मजा, क्योंकि एक बार MBBS में सिलेक्शन हो गया, करियर सेट है, उसके बाद तो आप PPG VPG तो अपने आप कर लोगे, पूरा माहौल ही ऐसा मिल जाता है आपको। तो आई फेल्ट सो गुड कि मेरे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे बच्चे 12th के साथ निकलेंगे, सारे 12th के साथ निकल सकते हो। तो इसको फॉलो करो, आपके पास 2 साल हैं, और इसमें गेम चेंजर होते हैं संडेस। संडे को क्या होता है, ज़्यादातर हर अल्टरनेट संडे तो टेस्ट आता है, तो जिस दिन टेस्ट आता है उस दिन तो क्या होता है, सुबह से टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, फिर टेस्ट दे के आके थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो पूरा संडे वेस्ट हो जाता है। कायदे से तो संडे उस टेस्ट के लिए 15 दिन पहले से थोड़ा 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 रोज पढ़ो ना। कई बच्चे तो सैटरडे को क्लास भी छोड़ देते हैं अपनी, ये देखो ये हंसे सारे, जो बहुत बड़ी गलती है। बात तो NCERT रीडिंग की है, लेकिन यहाँ बता दूँ ये बहुत बड़ी गलती है, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए ऑफलाइन की ऑनलाइन की। आप 15 दिन थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ो ना, और फिर भी कुछ छूट गया तो छोड़ दो ना, उसके नंबर कम आने दो ना, घर पे डांटी तो पड़ेगी, आपकी सच्चाई आप तो जानते हो, पर क्लास मत छोड़ो। जो बैकलॉग आपका क्रिएट होगा ना, वो कभी दोबारा नहीं संभलेगा, तो क्लास नहीं छोड़नी चाहिए टेस्ट के लिए। दूसरी चीज़, टेस्ट के संडे के दिन भी आप सुबह 2 घंटे बना लो कि मैं रिवाइज करूँगा, 3 घंटे बना लो, पर ऐसा नहीं कि पूरा संडे वेस्ट कर दिया आपने। आप टेस्ट दे के आओ, आप थोड़ा थक गए हो सो जाओ, आप 1.5 घंटा 2 घंटा अपना एंटरटेनमेंट के लिए निकाल लो, आपको मॉल जाना है, सिटी मॉल जाना है, सिटी पार्क जाना है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं कर लो, लेकिन संडे के दिन भी कम से कम 3-4 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, जिस संडे टेस्ट है। और जिस संडे टेस्ट नहीं है उस संडे आप एक्स्ट्रा थोड़ी भी मस्ती कर लो, थोड़ा लेट उठ लो भले ही, लेकिन उस संडे को 5-6 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन तो आपके पास में टाइम है पढ़ने के लिए। कायदे से जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, हर हॉलीडे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है अपने पूरे वीक को कंप्लीट करने का, कोई बैकलॉग है तो कंप्लीट करने का, कुछ चीज़ भूल जाते हो तो उसे दोबारा याद करने का, क्योंकि रोज़ तो पढ़ाई आगे बढ़ती जा रही है, रोज़ तो समय मिलता नहीं है, तो कब मिलेगा, संडे को ही तो मिलेगा, या जिस दिन कोई हॉलीडे मिल रही है उस दिन मिलेगा। तो संडे और हॉलीडे गेम चेंजर होता है। जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, उनसे पूछ लेना उन्होंने कभी अपने संडेज और हॉलीडेज वेस्ट नहीं किए होते,
वो तरसते हैं कि ये दिन आए, कोई छुट्टी आए तो मैं वो चीज़ें कर लूँ, वो डीपीपी लगा लूँ जो मेरी छूट गई थी। क्योंकि पूरा मतलब मेरा मैं ये मानती हूँ कि आप डेली का डेली पढ़ रहे हो, पिछले दिन का रिवाइज कर रहे हो, और संडे को जो थोड़ी कमी पेशी है वो पूरा करके वीक को लॉक कर दो। ऐसे वीक बाय वीक आप लॉक करते जाओ, पहले डे बाय डे लॉक करो, जो थोड़ा बहुत रह गया, छोटा मोटा कमी पेशी रह गई, या याद करना है, रिवाइज करना है, वो संडे को करा, संडे को वीक लॉक, वीक बाय वीक लॉक करते जाओ। कैसे बैकलॉग बनेगा आपका? बन ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं नालायकी तो अपन ही करते। एक बात याद रखो, जितना त्याग करोगे उतने नंबर आएंगे, उतनी सफलता मिलेगी, सीधी बात है। आप टीचर्स को ब्लेम करते हो, सिस्टम को ब्लेम करते हो, उससे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो संडे जब आएगा अब उस हफ्ते वाला, तब आप क्या करेंगे? तब आप दो चीज़ करोगे। एक, आप अपनी एनसीईआरटी निकालोगे और उसमें सिर्फ स्टार मार्क वाले को फिर से देखोगे, ओनली स्टार मार्क वाला पॉइंट, जो कि बहुत कम पॉइंट्स होंगे। दूसरा, आप क्या करोगे, ये जो डायरी है डेट साइंटिस्ट ये वाली, इसको देख लोगे, एग्जाम्पल्स वाली, और इसको फिर से एक बार जोर जोर से देख लोगे। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करो। मैं ये करती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, प्रीपीजी के टाइम पर भी मैंने किया है और एआईपीएमटी के टाइम पर भी, पर मैं हर चैप्टर का नहीं कर पाई थी। अगर आप कर सकते हो तो जब आप संडे पढ़ोगे ना, तो स्टार मार्क के मान लो 5 पॉइंट थे पूरे चैप्टर में से, मान लो उस हफ्ते में 6 दिन में से मान लो 15 पॉइंट्स थे जो स्टार मार्क में आए थे। जब आप संडे को पढ़ोगे तो उस 15 में से आपको 10 याद आ रहे होंगे, और 5 हो सकता है आप अभी भी भूल रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, या आपको पता ही है मैं आगे भूल जाऊंगा। अगर कर सकते हो तो इसमें से जो भूल रहे हो उसे एक सेपरेट डायरी में लिख लो, अगर कर सकते हो, और कर बिल्कुल सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसमें बुलेट पॉइंट्स बना लो, ये बुलेट पॉइंट्स बना लो, जो 5 बुलेट पॉइंट्स हैं बस। ये तैयारी होगी नीट के 1 महीने पहले की। नीट में आते आते तक इतने मोटे मोटे पोथी पत्रे रजिस्टर्स के हो जाएंगे, बच्चे बड़े खुश होते हैं, बोले इसको बेचेंगे, खूब रद्दी के पैसे मिलेंगे, घर वालों को बताएंगे नहीं, अपन ऐश मारेंगे, इतने रजिस्टर्स हो जाएंगे अभी आपके। एनसीईआरटी तो ऐसी रंग जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा 1 महीना पहले क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। और वो 1 महीना 15 दिन बड़े क्रूशियल है। आपके पास में ये सेपरेट डायरी है, हर चैप्टर के बुलेट पॉइंट्स हैं। आपके पास में एनसीईआरटी है जिसमें स्टार मार्क पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स वो हैं जो आप स्टार मार्क के बाद भी भूले हो, स्टार मार्क वो हैं जो आपके थोड़े कच्चे थे, कुछ याद है कुछ भूले हो। आखिरी के 1 महीने में केवल स्टार मार्क और बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन, और ये आखिरी की तैयारी जो है वो शुरुआत से की जाती है। ये जितने भी टॉपर्स होते हैं, भले ही वो इंटरव्यू में बोले चाहे नहीं बोले, वो ये सब तैयारियां करते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा 12th का 7th क्लास के साथ जनरल कैटेगरी से खुद का सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें बच्चे करते हैं। तो एक एक रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर तो आपका हो गया साइंटिस्ट डेट्स एग्जाम्पल्स का, और एक रजिस्टर या डायरी हो गई आपके बुलेट पॉइंट्स की। आप बताओ मत, लड़कियाँ किसी को नहीं बताएंगी कि मैं डायरी बना रही हूँ। अभी क्लास के बाद जब लड़कियाँ आपस में पूछेंगी तू बनाएगी, नहीं यार ये तो क्या बनाएंगे, लेकिन सब बनाएंगी जो सिलेक्ट होने वाली है, जिनको सिलेक्शन चाहिए। और लड़के तो बोलेंगे तू फिक्र मत कर यार, तेरे लिए मैं बना दूंगा भाई, मैं बनाऊंगा, तू ले लेना, मैं हूँ ना भाई, भाई मैं हूँ अपना भाई है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दानवीर कर्ण भी नहीं बनना है, ये सफर अकेले का है, इसमें अकेले चलना है, पहले अपने आप को काबिल बनाना है, फिर दूसरों की मदद आप जीवन भर कर सकते हैं। तो ये तरीका समझ में आया इतना? चलो अब इसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम्स आप हैंड टू हैंड देखेंगे। जब आप इस समय पर लाइन बाय लाइन बात कर रहे हैं तो इसमें डायग्राम्स इंक्लूडेड है, और डायग्राम की लेबलिंग के साथ आप देखोगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभी डायग्राम या लेबलिंग छोड़ देते हैं देखना? ऑनेस्टली हाथ उठाई, ओ नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं एक पीडीएफ लगाकर लाई हूँ आपके लिए, देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास का एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आरओपी का क्या मतलब है वो लिखा हुआ है। ये पूरी थ्योरी में एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है,
ये सिर्फ ओनली डायग्राम में लिखा हुआ है और इस पे हजारों बार क्वेश्चंस आते हैं। ऐसी कई चीजें हैं, इवन मॉर्फोलॉजी में एक जगह पर बायसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो पूरी बायो की थ्योरी में कहीं और नहीं है, उस डायग्राम की लेबलिंग में है केवल। यहाँ पर पेरिविटलाइन स्पेस, इसका थ्योरी में कोई जिक्र नहीं है पर डायग्राम में है। तो एनसीईआरटी की डायग्राम हैंड टू हैंड जो फर्स्ट रीडिंग है उसी में ही देखना है और डायग्राम के साथ उसकी लेबलिंग भी देखनी है। प्लस अब जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लगता है शायद आप लोग नहीं करते होंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं जो समरी हैंड टू हैंड नहीं पढ़ते, कितने स्टूडेंट्स हैं जो समरी नहीं पढ़ते जो एनसीईआरटी में पीछे दी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी यहाँ पर पीडीएफ तो नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में कई जगह पर ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी की समरी में है और थ्योरी में कहीं नहीं है और क्वेश्चन आता है। जैसे जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे 12th क्लास में, उसमें निहीं संतानता, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो 2 साल तक अगर बच्चे ना हो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। जो 2 साल है ये पूरी थ्योरी में कहीं नहीं दिया, थ्योरी में इतना ही दिया जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेक्सुअल कोहैबिटेशन, उन्हें इनफर्टिलिटी बोलते हैं, पर वो 2 ईयर्स का डेटा कहीं नहीं दिया। चलो अभी आप लोग ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ईआर का फंक्शन क्या क्या होता है? ईआर किस किस केमिकल से रिलेटेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे मत करो, है प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस एसईआर, है ना। स्टेरॉइड एक लिपिड लाइक कंपाउंड ही होता है। क्या ईआर का कार्बोहाइड्रेट से कोई लेना देना है? पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो बताओ, नहीं पढ़ा? पक्का? अब आप बोलोगे मैडम आप ऐसे पक्का पक्का कर रहे हो तो दाल में कुछ काला है, नहीं पढ़ा ना। एनसीईआरटी की समरी में लिखा है कि ईआर इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी की समरी में लिखा है कि ईआर इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। अपन तो हमेशा यही सोचते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड गॉल्जी बॉडी करती होगी तो लाइपोप्रोटीन भी भैया वही बनाती होगी, एसईआर लिपिड बना रही है, आरईआर प्रोटीन बना रही है तो गॉल्जी बॉडी बनाती होगी। ये शब्द एनसीईआरटी की समरी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की समरी में ऐसी ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं जो थ्योरी में कहीं नहीं है और वो क्वेश्चंस में आती हैं। तो अब हर स्टूडेंट आज से जब आप थ्योरी करेंगे तो आप डायग्राम और समरी हैंड टू हैंड देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, समरी वैसी छोटी सी होती है, समरी एंड के लिए मत रखना। सपोज करो मैंने फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ आज पढ़े थे सेल थ्योरी, तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के समरी में तो एक लाइन होगी मुश्किल से, तो आप डेली समरी पढ़ो। क्यों बोल रही हूँ मैं, अगर आपने एंड में समरी पढ़ी आपका पूरा चैप्टर हो गया, आखिरी दिन समरी पढ़ रहे हो, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा पॉइंट थ्योरी में नहीं था, आपको समझ ही नहीं आएगा। वो तब समझ आएगा जब डेली उस चीज़ को करोगे। आपने जिस दिन ईआर पढ़ा है उसी दिन ईआर की समरी, क्योंकि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो और जो समरी है वो सेम सीक्वेंस में है, तो आपको ढूंढना तो कुछ है नहीं। तो डेली 2-3 लाइंस आप पढ़ रहे हो केवल समरी की, पर आप तभी डिस्टिंग्विश कर पाओगे जब आप डेली पढ़ोगे समरी को। इकट्ठा आखिरी में पढ़ोगे तो आप पढ़ लोगे यू 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 यू, आपके दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि यार ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कहाँ से आ गया, ये लाइपोप्रोटीन कहाँ से आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो समरी को ज़रूर अपने ऐड करिए। तो एनसीईआरटी के डायग्राम की लेबलिंग, एनसीईआरटी की समरी, इसके अलावा एनसीईआरटी जो भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना। पीवाईक्यूज नीट के अंदर एज इट इज रिपीट होते हैं और कुछ पीवाईक्यूज आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं, जैसे मैंने कैपेसिटेशन बताया, कुछ और भी आते हैं इस तरीके के। तो पीवाईक्यू सारे होने चाहिए, 30-30 साल के लगाने की जरूरत नहीं है। 2008 में मेजर सिलेबस चेंज हुआ था, तो 8 से लेके 24 तक के। अब इनके लिए तो सेपरेट रजिस्टर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, ट्रिक्स और फ्लो चार्ट्स आप यूज़ करिए। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ मेरी टीचिंग में। आपको आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, 12th क्लास में जब मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हैं तो बड़ा भारी भरकम सा पैराग्राफ होता है, उसको ऐसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है पर फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग अभी हार्ट में कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे मैंने ऐसे कर एक
डायग्राम में चेंज कर दिया, फ्लो चार्ट में चेंज कर दिया, हमारा दिमाग फ्लो चार्ट में इजीली याद रख पाता है। या फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम हो गया, ओके एनिमल किंगडम में एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तो कुछ इस तरह की ट्रिक्स बना ली मिलती जुलती, तो आप जो है खुद से भी बना सकते हो, धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो ये ट्रिक्स फ्लो चार्ट्स इनको यूज करो, ये बहुत हेल्प करते हैं। एक काम और करिएगा, ये जैसे ब्रीदिंग है फॉर एग्जांपल, सपोज आपने ये पढ़ा है, अब इसमें ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताएं कि किस ऑर्गेनिज्म का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आप जब पढ़ रहे हो आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ और इसमें ऑर्गन और उसका ऑर्गेनिज्म यहीं पर लिख दो, इतना पैराग्राफ है ये वाला, सपोज ये वाला सारा, यहाँ से ये। तो अब अगली बार क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पढ़ना, मैं एक्चुअली सिर्फ ये पढ़ सकती हूँ। ये भी एक तरीका होता है अगर आपकी छोटी छोटी सुंदर हैंडराइटिंग है और अगर आप ये मैनेज कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। या जैसे ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, इसको आप फॉर एग्जांपल अपर लिप्स हो गए, ये अपने क्या बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, ऐसे करके पाथवेज जो हैं उनको भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। या तो एनसीईआरटी में बना लो या खुद से बना लो, ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से, या जैसे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है, नहीं हुआ होगा ये चैप्टर, हो गया हाँ, तो फिर तो समझ आ रहा होगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, उसको फ्लो चार्ट में बना लो, बहुत सिंपल है। इनहेलेशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जिससे कि एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस इंक्रीज हो जाएगा, डायफ्राम से वहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो रिब्स एंड स्टर्नम अप एंड आउट। फिर एरो बनाओ इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, फिर एरो बनाओ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, फिर एरो बनाओ एयर कम्स इन। तो आपने ये सारा, ये बहुत बोरिंग लगता है पढ़ना, आपने उसे यहीं पर एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया या अपनी कॉपी में बना लिया। इस तरीके से कोशिश करो पैराग्राफ्स को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 2-4-5 दिन के बाद आप अपने आप बनाने लग जाओगे। पढ़ाई की सबसे बड़ी खासियत होती है कि पढ़ाई खुद को पढ़ना सिखाती है, पर उसके लिए सिटिंग देनी पड़ती है, एक ही काम रोज़ रोज़ करना पड़ता है। आप एक ही काम 4-5 दिन तक कोशिश करोगे तो 6वें दिन 7वें दिन 8वें दिन थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग है, वो क्लिक करने लग जाएंगी चीज़ें, आपको आने लग जाएंगी। किसी को पहले दिन से आती है, जो अपन बोलते हैं तो बहुत ये तो इंटेलिजेंट है जन्म से ही, ये तो बचपन से ही इंटेलिजेंट है, किसी को 5-7 दिन बाद क्लिक करने लग जाएगा कि ऐसे बनाता हूँ। और कोई आइडियल नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है इसके लिए, आपका अपना फ्लो चार्ट, आपका अपना तरीका, पर ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं छोटी छोटी एनसीईआरटी पढ़ने में। तो मुझे बस आपको यही सब बताना था। अब अगर आपके कोई डाउट्स हों जो आपने फेस करे हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई डाउट्स, या पढ़ते ही नहीं हो एनसीईआरटी, नो डाउट नो स्टडी, दो तरह से ही नो डाउट्स होते हैं, या तो सब कुछ पढ़ रहे हैं या तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। हाँ जी प्लीज। हाँ नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन लाइन से ही तो आया है, इसमें क्यों, इसका मतलब है कि एक तो जोर जोर से नहीं पढ़ रहे होगे शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। असर्शन रीजन का तरीका, जो मेरा तरीका है वो ये है कि या तो असर्शन पढ़ो, बिकॉज लगाओ और रीजन पढ़ो, पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कंटिन्यू करो। मैं रीजन पढ़ती हूँ, दैट्स वाई, इसलिए लगाती हूँ, और असर्शन पढ़ती हूँ। ये जो दैट्स वाई या बिकॉज लगाओगे, ये अपनी मातृभाषा में लगाना, इसे इंग्लिश में मत लगाना, जैसे मैं हिंदी में लगाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट दिया है, सपोज घिसा पिटा सा स्टेटमेंट ले लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज, और रीजन दिया हुआ है क्रोमोजोम इज मोस्ट कंडेंस्ड इन मेटाफेज। तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी, मैं इसे अपनी मातृभाषा में पढ़ूंगी, मैं उसी भाषा में पढ़ती हूँ जिस भाषा में सोचती हूँ, तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी भी ऐसे पढ़ी है, मैंने पूरे नोट्स भी ऐसे पढ़े हैं, मैं इसे ऐसे पढ़ूंगी, मैं रीजन पढ़ूंगी पहले, क्रोमोजोम मोस्ट कंडेंस्ड है मेटाफेज में, इसीलिए उसकी मॉर्फोलॉजी सबसे बढ़िया मेटाफेज में दिखाई देती है। लॉजिक बन रहा है, सेंस बन रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर लॉजिक नहीं बनता, मान लो इसको उल्टा कर दो, कुछ मत करो, रीजन की जगह असर्शन, असर्शन की जगह रीजन लिख कर देखते हैं। अब असर्शन बन गया कि क्रोमोसोम इज मोस्ट कंडेंस्ड इन मेटाफेज, और रीजन बन गया मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज। अब सुनना जरा ध्यान से, मैंने रीजन पढ़ा,
क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी मेटाफेज में स्टडी होती है, इसीलिए क्रोमोसोम सबसे मोटा होता है मेटाफेज में। लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा? कहां से लॉजिक बन रहा है? क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप में मेटाफेज में स्टडी करना, इसीलिए मोटा हो गया क्या? वो मोटा है इसीलिए माइक्रोस्कोप में स्टडी होता है। आ रहा है समझ में? इसीलिए बेस्ट स्टडी होता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, या तो बिकॉज पकड़ो, असर्शन पढ़ा बिकॉज लगाया, रीजन पढ़ा, या रीजन पढ़ा दैट्स वाई लगाया अपनी मातृभाषा में, और लॉजिक ढूंढो। या तो बिल्कुल ही अलग अलग स्टेटमेंट है, एक ट्रू एक फॉल्स, तो बात ही खत्म है। मैं सिर्फ वो ए और बी में डिफरेंस की बात कर रही हूँ। ये लॉजिक थोड़ी ना हुआ कि माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं इसीलिए वो मोटा होता है। नहीं, मोटा होता है इसीलिए माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। इसकी एक ट्रिक और बता देती हूँ, इसकी एक ट्रिक और, ट्रिक तो नहीं बोलना चाहिए बट वो काइंड ऑफ ट्रिकी है। असर्शन रीजन, एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो, आज से मार्क करो एनसीईआरटी में सारे। मैं अपने यकीन बैच, लक्ष्य बैच, हर बैच में एनसीईआरटी में मार्क कराती हूँ। कुछ मत करो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जहां पर भी रीजन है किसी भी चीज का, जैसे सो, बिकॉज, दैट्स व्हाई, हेंस, देयरफॉर, इस तरह के शब्द जहां भी आ रहे हैं जो लॉजिक बना रहे हैं कुछ, तो वह असर्शन रीजन का क्वेश्चन होता है। वहीं से वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बनाएगा। तो अब क्या होगा, अब आपके कॉन्शियस माइंड में ये बात आ गई, आपको किसी ने बता दिए, अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इन शब्दों पे आपका ध्यान जाएगा, और यहीं से असर्शन रीजन बनते हैं, यहीं से बनते हैं सारे। ठीक है, और कुछ? हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप उसे बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको संडेज को रिवीजन के लिए टाइम रखना पड़ेगा। बेटा हर बच्चे को बनानी है, जो सिलेक्ट हो रहा है वो भी, और जो नहीं हो रहा उसको भी, उसी बीच में करना है। तभी तो मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी में मार्क कर लो ना, तो यही तो मैं आपको बोल रही हूँ। आप एक बात सुनिए, एक बात समझो, अगर आप ये सोच लिया आपने, जैसे एक बहुत अच्छी एक शायरी मैंने पढ़ी थी कहीं पर, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आप अभी से हार मत मानो कि हमको तो इतना सब करना है, हम इस बीच में कैसे करें, क्योंकि हर स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो रहा है उसे इतना कुछ ही करना है और उस बीच में वो कर रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटी रीडिंग की हैबिट डालो। अल्टीमेटली क्वेश्चन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आने वाला है, लाइन से आने वाला है। तो आप एनसीईआरटी बेटा जब आप तीन तीन बार पढ़ोगे और संडे भी पढ़ोगे, यानी एक हफ्ते में जब एक पैराग्राफ चार बार पढ़ोगे, करके देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अपने नोट्स जो हैं वो चार बार लगातार पढ़ते होंगे। पहली चीज, चार दिन तो नहीं पढ़ते होंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन पढ़ता होगा अगर कोई बहुत सीरियस स्टूडेंट है तो। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स पर एक इतना बड़ा बवाल होता है, शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने आते हैं बढ़िया बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ उस चक्कर में अभी मत पढ़ो, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप स्टार मार्किंग वाली जो टेक्निक है इसे फॉलो करो, आप अपने नोट्स में भी ऐसे ही करो, क्लास नोट्स में। आज मंडे की क्लास हुई, पूरा याद करा अच्छे से, लिख विख के सब करा, ट्यूसडे की क्लास हुई, मंडे की क्लास को रिवाइज करा, जो भूल रहे हो सिंगल स्टार लगा लिया, और वेडनेसडे को वेडनेसडे की क्लास पूरी पढ़ रहे हो, ट्यूसडे की क्लास सिंगल मार्किंग कर रहे हो, और मंडे की क्लास में जो भूल गए फिर से डबल मार्क कर लो, आप स्टार मार्किंग करो। शॉर्ट नोट्स पूरे साल, मतलब जनवरी फरवरी तक बच्चा यही पूछता रह जाता है बेचारा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। अभी सीखने का टाइम नहीं है, अगर आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बना लेते हैं फ्लो चार्ट्स वगैरह के फॉर्म में, बढ़िया बात है। कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम क्या छोड़ें और क्या पकड़ें, क्योंकि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। कितनों को ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें और क्या नहीं लिखें, तो आप छोड़ दो उसे। जैसे मैंने इस साल से यकीन में, लक्ष्य में, मेरी क्लासेस में, ऑनलाइन में चीज़ शुरू करी है, इम्यूनिटी बूस्टर बोलती हूँ मैं उसे। मेरे पे बहुत बच्चों के ये मैसेजेस आते थे कि हम कैसे बनाएं शॉर्ट नोट्स, तो मुझे पता है कि मैं बोल भी दूंगी कि मत टेंशन लो, मत चक्कर में पढ़ो, तो बच्चे बेचारे
मानने वाले तो है नहीं, क्योंकि कोई एक लड़का लड़की आ जाएगा जो बना रहा होगा, फिर उनको टेंशन हो जाएगा। तो मैंने क्या करा है, अपनी एक क्लास के एंड में मैं एक स्लाइड पर उस पूरी क्लास की समराइज्ड वे में उनको एक फ्लो चार्ट बना के दे देती हूँ। उसे मैं इम्यूनिटी बूस्टर का डोज बोलती हूँ कि ये ठोक दिया आपको मैंने, उसी को मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू शॉर्ट नोट्स, ताकि उनके दिमाग में घुस जाए हमको शॉर्ट नोट्स मिल गए हैं, अब हमको टेंशन नहीं है। लेकिन आप वो भी मत करो, आप तो एनसीईआरटी में ही सिंगल मार्क और डायरी में बुलेट पॉइंट्स बना लो ना, बस वो ही शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जो याद नहीं रह रहा उसको अलग से लिख लिया, वो आखिरी में पढ़ लेंगे अपन, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। बाकी एनसीईआरटी में मार्क करो, एनसीईआरटी मार्किंग की आदत डालिए, एनसीईआरटी रीडिंग की आदत डालिए, अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी जो भाषा जो लैंग्वेज होगी वो एनसीईआरटी से आएगी। तो आप नोट्स क्लासेस इसलिए अटेंड करिए ताकि आप समझें, नंबर वन, और नंबर टू, अगर कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने को आ जाए। बाकी याद करने का काम आप एनसीईआरटी को ही बेस बुक बनाइए अपनी, इससे बहुत बेनिफिट होगा, पेपर यहीं से ही आएगा। या नोट्स इसलिए रख लो कि अभी क्लास के एग्जाम्स होंगे या ट्वेल्थ में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स लिखने, तो वहाँ काम आ जाएगा। बट अदरवाइज आप एनसीईआरटी को बेस बुक बनाइए और ऐसे करिए। ये मैं शॉर्ट नोट्स ही बता रही हूँ आपको, स्टार मार्किंग और बुलेट पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, और बस वही, फिर से वही बात बोलूँगी मैं आपको, बार बार एक ही बात बोलूँगी कि मंजिल भी मिलेगी, ये मुकद्दर में लिखा है, और जिनके नसीब मस्त होते हैं इम्तिहान में उनके ज़बरदस्त होते हैं। इम्तिहान को देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।